आप सबको हमारा नमस्कार और बड़े बचते बचाते हुए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि डर था कि कहीं लूट ना हो जाए इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर पहुंचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है वैसे इन सब चीजों की हिफाजत करनी पड़ रही है आपने सुपरमैन देखा है आपने स्पाइडरमैन देखा है आपने ही मैन देखा है आज आपको एक कहानी सुनाती हूं और वो कहानी एक देश की है एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं सुपरमैन स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है जहां महंगाई बढ़ जाती है टमाटर ट बोलता है टमाटर महंगा हो जाता है पेट्रोल पा बोलता है पेट्रोल महंगा हो जाता है जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है जनता परेशान है और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं उसकी प्रजा की उसके देश की बात नहीं कर रहे कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए पथरी हो जाएगी मिर्ची कम खाइए अल्सर हो जाएगा लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा महंगाई डायन खाए जाते उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सैया तो नईखे कमात है महंगाई डायन खाए जाते कल बेरोजगारी के आंकड़े आए दो साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा मस्त है साहब बहादुर मस्त है दुनिया देश त्रस्त है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है उससे समझ में आता है आय कम है और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है इसमें एक किलो टमाटर है एक किलो अदरक है एक किलो हरा मिर्च है एक किलो लहसुन है टोटल लगभग एक हजार सत्तर रुपए का सामान है इस बास्केट में तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए ये सब चीजें दिया करिए लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते हैं और जानते हैं आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर डेढ़ सौ रुपए के करीब बिक रहा है तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते अब आपको हो सकता है समाज दें समाए कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है नींबू मुझे नींबू मेरा पैसा खत्म हो गया मुझे नींबू नहीं मिला था चार सौ रुपए पार नींबू है चार सौ रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में जाल देता था सब्जी के थैले में ये चार सौ रुपए किलो की मिक रही है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार को इसका पता नहीं है सरकार सब जानती है सरकार को सब कुछ पता है और नहीं ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं सब्जी ही नहीं दाल भी दूभर हो गई है एक मिनट को चलिए कहते गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे दाल रोटी खा लेंगे दाल भी दूभर है अरहर और दाल इतनी महंगी दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल बहत्तर से पचहत्तर रुपए किलो मिलती थी आज वो 160 से 170 के बीच में है उड़द की दाल तीस रुपए महंगी हुई है एक महीने में अरहर की दाल में एक महीने में पचास रुपए की बढ़ोतरी हुई है एक दो रुपए नहीं करीब करीब पचास रुपए की दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी जो जीरे का छौक लगता है वो जीरे का दाम आपको पता है क्या अभी आठ सौ रुपए किलो है जीरा इस समय आठ सौ किलो जीरा बिक रहा है वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है उस जीरे में दो सौ रुपए किलो दो सौ प्रति किलो का इजाफा एक महीने के अंदर हुआ है आठ सौ पे दाम पहुंच गया है ये जीरा कभी दो सौ ढाई सौ रुपए पे बिकता था अब सब्जी भी महंगी है दाल भी महंगी है मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है दस में से जो दस सबसे जरूरी चीजें हैं जिसमें दाल चावल आटा मसाले सब्जियां चाय पत्ती आलू प्याज टमाटर उसमें से नौ चीजों के दाम में आग लगी हुई है ये सरकार खुद मान रही है इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं आपके साथ हम यह जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा पिछले एक महीने में टमाटर 160 पे है धनिया 200 की है अदरक 400 की है मिर्ची 400 की है लहसुन 130 का है परवल 80 का है अरबी 80 की है भिंडी 70 की है और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले नौ साल से खुली नहीं है उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46 प्रतिशत आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है चावल 25 रुपए किलो मिकता था अब 36 के ऊपर पहुंच गया है दाल जो बहत्तर की थी वो 160 170 के बीच की मिल रही है सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर एक पार कर चुका है और नमक हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और यह वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है नमक का दाम जो कभी तेरह रुपए होता था वो बीस के ऊपर है अब आपको एक और असलियत बताती हूँ ये तो हो गई महंगे दामों की बात आग लगी हुई है आसमान छुरा जैसे भी बोलना चाहिए एक और चीज करी जा रही है आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा पार्ले जी का पैकेट है गांव शहर देहात कहीं भी जाइए यह छोटा पैकेट खूब बिकता है यह छोटे पैकेट का दाम पांच रुपए लेकिन अब यह पचास ग्राम का हो गया है पहले यह अस्सी ग्राम का था तीस ग्राम कम कर दिया गया दाम वही रखा गया तो यह बिस्किट बड़ा महंगा हो गया यह चाय की पत्ती है पहले पचास रुपए में दो सौ पचास ग्राम मिलती थी अब सत्तर रुपए में दो सौ ग्राम मिल रही है ये चाय की पत्ती है जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं चाय पिलाएंगे बिस्किट खिलाएंगे ये तीस ग्राम कम कर दिया दाम रखे ये पचास रुपए का मिलता था ढाई सौ ग्राम अब सत्तर रुपए का और वजन दो सौ ग्राम ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं दस रुपए में पहले पैंसठ ग्राम नमकीन बिकता था यह पैकेट है आप लोग के सामने अब दस रुपए में बत्तीस ग्राम नमकीन बिक रहा है मतलब आधा कर दिया तैतीस ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया आपको लगता है बिक तो अभी दस ही कर रहा है लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही दस रुपए दे रहे हैं जो पहले आप पैंसठ ग्राम के देते थे आप बत्तीस ग्राम के दे रहे हैं ये मटर लोग खाते हैं बड़े स्वाद से खाई जाती है चाय के साथ शरबत के साथ गांव शहर देहात जाइए गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है छोटा पैकेट दस रुपए का ले आओ ये दस रुपए के पैकेट में पहले पैसठ ग्राम आती थी अब बयालीस ग्राम आ रही है और यह प्रमाण में ये सब आपको दिखा कर बता रही हूं मैं मेरे कोई आंकड़े नहीं है ये पैकेट में सब लेके आई हूं आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा ये मूंगफली है ये मुझे बड़ी पसंद है अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं दस रुपए में पचपन ग्राम मिलती थी अब चौतीस ग्राम मिल रही है यह मूंगफली का पैकेट है दस रुपए में पहले पचपन ग्राम मिलता था अब चौतीस ग्राम रहा है। हमारी आंख में धूल झोंक कर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है यह चॉकलेट है आप में से कुछ लोगों को बड़ी पसंद है यह चॉकलेट दस रुपए में अब मिलती है तेरह ग्राम पहले पांच रुपए की तेरह ग्राम थी डबल हो गया दाम पांच रुपए की चॉकलेट दस की हो गई पता ही नहीं चला लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है ये कॉफी का पैकेट है सात ग्राम मिलता था दस रुपए का अब साढ़े पांच ग्राम मिल रहा है डेढ़ ग्राम कहां चला गया मोदी जी की जेब में और यह टोमेटो सॉस है समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं आप लोग को पसंद है यह सॉस सौ रुपए का नौ सौ पचास ग्राम करीब करीब एक लीटर मिलता था अब यह साढ़े आठ सौ ग्राम मिल रहा है सौ रुपए का तो ये जवाबदेही किसकी है इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया वजन घटाया गया जनता को मूर्ख समझा गया ये कौन कर रहा है ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है अगर राजस्थान में आज पांच सौ रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो दो ढाई तीन हजार रुपए महीने का बचा रही हैं वो उनकी राहत है उनकी बचत है सरकार क्या कर रही है उल्टा सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोग महंगाई से त्रस्त हैं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है एक्साइज ड्यूटी कम करे डीजल का दाम घटेगा पेट्रोल का दाम घटेगा मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी तमाम चीजें सस्ती होंगी ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफा खोरी में लगी हुई है कच्चे तेल का औसतन दाम पैंसठ डॉलर प्रति बैरल रहा है लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम सात रुपए बढ़ा दिया गया क्यों बढ़ाया गया अब आप जाइए होटल तो आपको जो दस रुपए की थाली मिलती थी वो बारह की मिलेगी क्यों है ऐसा सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गिरे थे गए थे वो गिरकर वापस सत्तर पचहत्तर पे आ गए लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है हमारा अपना मानना है कि क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है इसको धरातल से मतलब ही नहीं है बेरोजगारी बढ़ रही है की महंगाई बढ़ रही है जी हम तो लहसन प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं दाम घट रहे हैं हमारी बला से तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है लोग त्राही माम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे इसलिए उस पर कदम उठाया जाए एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए टैक्स वसूली बंद कीजिए लोगों को राहत दीजिए मुनाफाखोरी बंद कीजिए आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं वो करें जिससे कि लोगों को राहत मिले और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोख का जरिया नहीं है हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग लेने लगी है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये कत्तई स्वीकार्य नहीं है आई विल वेरी ब्रीफ